हाय गाइस, सो आज की वीडियो जो हमारी है वो होने वाली है हॉस्टल टूर पे, बिकॉज़ एवरीवन वाज आस्किंग अबाउट इट. सो हियर इज माय न्यू वीडियो ऑन हॉस्टल टूर इन पस्कोव. वेलकम टू माय चैनल मिर्ज़ा इन पस्कोव. सो अभी फ़िलहाल फॉल चल रहा है, सो यू कैन सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुका है सब कुछ. एंड फिर मैं अभी आपको, हमारे हॉस्टल के बाहर हूँ मैं, और अभी शाम हो गई है, ऑलमोस्ट इवनिंग. तो फिर अभी हम आपको दिखाने वाले हैं हमारा हॉस्टल, एंड फिर आफ्टर दैट हम मंदिर जाएंगे और फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि और क्या हो रहा है. और हॉस्टल में मैं सारी कुछ दिखाने वाली हूँ, सब कुछ दिखाने वाली हूँ ऑलमोस्ट आपको, लाइक सबके रूम्स दिखाऊंगी. थोड़ी प्राइवेसी वाली बात तो है, बट फिर मैं दिखाऊंगी आपको सबके रूम्स, एंड लाइक नॉट सबके, बट हाँ कुछ लोगों के मैं दिखा सकती हूँ जो अलाउ करेंगे. फिर उसके बाद मैं आपको किचन दिखाऊंगी और वॉशरूम्स दिखाऊंगी और शावर रूम्स भी दिखाऊंगी. एंड सो या चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये है हमारा हॉस्टल, एंड द एड्रेस इज रोतनाया त्रिचित सिम. एंड ये पूरे बिल्डिंग है जहाँ पे उधर सारे इंडियंस रह रहे हैं, एंड इवन सम पीपल फ्रॉम आई गेस सूडान एंड अफगानिस्तान एंड सम अदर कंट्रीज लाइक हैं, और भी बच्चे हैं थोड़े बहुत. सो या वो है एंट्रेंस गेट, एंड फिर हम अब अंदर चलते हैं. हम आ गए अंदर, और अब यहाँ पे हमको अपना कार्ड पंच करना होता है, एंड कार्ड पंच करने के बाद फिर तभी एंट्री मिलती है, लाइक विदाउट पंचिंग नहीं मिलता है. शिट, मेरा कार्ड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है, सो वो जल्दी से लगता नहीं है, उसमें स्कैन नहीं करते. और यहाँ पे हमारी वार्डन होती हैं, जिनसे हम पूछ के ही यहाँ से जा सकते हैं. एंड उसके अलावा यहाँ पे है, दिस इज़ लाइक स्टडी रूम ऑल्सो, एंड मे बी यहाँ पे टेनिस खेल सकते हैं. उन्होंने कोर्ट रखा हुआ है, लाइक दे कॉल इट पिंग पोंग हियर. सो या लेट्स गो. यहाँ पे बाकी सारे लोग रहते हैं. इधर हमारा फ्लोर है, सो हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कौन कौन अपने रूम को दिखाने के लिए हमें अलाउ करता है. पहले तो मैं आपको अपने रूम को दिखाऊंगी, लाइक जो जहाँ पे हमारा रूम है. हमारा जो रूम है वो है टू सीटर, लाइक हम दो लोग एक साथ रह रहे हैं. सो दिस इज़ फर्स्ट फ्लोर, सॉरी सेकंड फ्लोर. यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं. सो हम चलते हैं. सो अब मैं आपको अपना रूम दिखाने वाली हूँ. चलिए फिर चलते हैं. सो ये है हमारा रूम जो टू सीटर है, और थोड़ा मैसी दिख रहा होगा क्योंकि वहाँ पे सामने कपड़े फैले हुए हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही जगह घेर लेता है. और ये हो गया. ओके सो मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ. पहले दिस इज़ लीनिया एस्पेरा, एंड ये मुझे गिफ्ट में मिला था अभी रिसेंटली, लास्ट टाइम जब मेरा बर्थडे था तो. एंड इनका नाम लीनिया एस्पेरा मैंने इसलिए रख दिया था बिकॉज मैं एनाटॉमी पढ़ रही थी उस टाइम पे, एंड लीनिया एस्पेरा वॉज माई फेवरेट लाइक पॉइंट, एंड मुझे वो नाम बहुत ज़्यादा पसंद आया था, सो मैंने इसका नाम लीनिया एस्पेरा रख दिया, एंड पूरा हॉस्टल इसको लीनिया एस्पेरा ही बुलाता है. सो या ये है मेरा बेड, मैं यहाँ पे रहती हूँ, सोती हूँ, लाइक एवरीथिंग. और ये है मेरी रूममेट पूजा, ये पूजा का है बेड. और यहाँ हमको यहाँ पे चेयर मिली हुई है. हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे इतनी ठंड है तो उसके लिए दिस हीटर इज़ द बेस्ट थिंग. दिस इज़ लाइक पूरे रशिया में होता है ये, तो हीटर्स जो हैं उसकी वजह से हम यहाँ पे ठंड में रह पा रहे हैं, बिकॉज़ ये रूम का टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट 26 डिग्री सेल्सियस तक रखता है. सो बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडा, सो मैनेज हो जाता है, लाइक इतनी ठंड नहीं रहती है, बिकॉज़ हम कहीं और बाहर निकले तो हालत ख़राब हो जाती है. तो हॉस्टल के अंदर अगर रह रहे ना तो कुछ समझ में नहीं आता, इट्स लाइक बहुत अच्छा रहता है हीटर की वजह से, अच्छा खासा गर्म रहता है. और
सो या और ये 24 आवर्स वर्क करता है और ये शायद गवर्नमेंट की तरफ से होता है और ये पूरी सिटी में लाइक ऑल ओवर इन रशिया ऐसा होता है, ये सब जगह होता है। और जो ये हीटर का सिस्टम है ये ऐसा बना है कि लाइक शायद मेटल का बना हुआ है, पाइपलाइन से जो वो सब कनेक्टेड है और उससे गर्म पानी जो होता है एकदम कंटिन्यूसली हॉट वाटर जो होता है वो आता जाता रहता है, तो इट इज़ लाइक सो उससे जो वार्मनेस होती है ना वैसे ही होता है, तो इट इज़ गुड, मतलब काफ़ी अच्छा है ये। सो या उसके अलावा मैं आपको और दिखाती हूँ कि हम रोज़ रेडी होते हैं कहाँ पे। हम दोनों ने डिसाइड करके यहाँ पे क्या किया है कि लाइक हमारे जो हमें ये तंबूचकास मिलते हैं ना, इसको हमने, हमें दो मिला था लाइक पर स्टूडेंट एक एक मिलता है तंबूचका, एंड इस तंबूचके में हमने अपना सारा कुछ रख लिया है जो नॉर्मल रेगुलर यूज़ का सामान है लाइक जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं एवरीथिंग, ये रख लिया। और फिर उसके अलावा हमने ये स्कार्फ ले लिया था एक, तो स्कार्फ में हमने सब कुछ रख दिया है शू का, एक शू के लिए लिया था स्पेशली। और उसके बाद यहाँ पे जो है इसमें हम बर्तन रख लेते हैं अपना सब इस वाले तंबूचके पे, सो हमने ये डिवाइड करके कर लिया था। और उसके अलावा ये टेबल देखिए जो बहुत ज़्यादा भरी हुई है क्योंकि हम खाना खुद बना रहे, तो इसलिए लाइक टेबल पे सब कुछ फैला हुआ है अभी, और अभी अब थोड़ी देर पहले ही खाना बना के हमने खाया है। जैसा कि आपको पता है अभी यहाँ पे शाम हो गई है, सो दोपहर का खाना तो खाया ही होगा, दोपहर का खाना खाया था लाइक वो बनाया था, तो फिर उसी के बर्तन रखे हुए जो अभी तक साफ नहीं हुए, तो अभी हम मिलके साफ़ करेंगे। उसके बाद फिर या अभी वो भी काम करना है, फिर उसके बाद डिनर भी बनाना है, फिर कुछ खाने के लिए मतलब कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। और फिर उसके अलावा हमने अपने रूम को थोड़ा बहुत लाइक सामान बिखरा बिखरा पड़ा रहता था, तो लाइक एक मतलब जैसे कहते हैं कि इंडिया में डीमार्ट टाइप होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे मैग्नेट है, फिक्स प्राइस है, ऐसे है 2-3 और प्यात रोचका करके है 4-5 जो है, तो हमने फिक्स प्राइस में थोड़ा अच्छा सामान मिल जाता है तो लाइक कम रेट में, तो फिक्स प्राइस से जाके हमने थोड़े बॉक्सेस बॉक्सेस डब्बे वब्बे लाए, तो मैं आपको डब्बे दिखाती हूँ जिसमें हमने ना अपना सारा मसाले एंड एवरीथिंग उसमें रखा है। सो ये है जो हमने यहाँ पे छुपा दिया है सो दैट हमारा रूम बहुत ज़्यादा मैसी ना दिखे। सो ये यहाँ पे हमने इसके अंदर अपना सब कुछ रख दिया है, और थोड़ी सी पॉलीथिन से जो अभी भी मैंने सामान लेके आई हूँ मैं वो सारा कुछ रखा हुआ है। ये स्टैंड वगैरह तो यहाँ पे मिलता है नहीं, हमने खुद ने लिया है सुखाने के लिए कपड़े, क्योंकि और कहीं अलाउड होता नहीं है। वैसे अलाउड है, क्यों नहीं है, नीचे हमारे लिए एक अलग से रूम है जहाँ पे हम सारे अपने कपड़े जो है वो सुखा सकते हैं आफ्टर वॉशिंग, तो हमें वॉशिंग मशीन्स मिली हुई हैं, वॉशिंग मशीन में हमने कपड़े सुखाए लाइक सॉरी वॉश किए, एंड देन फिर हम नीचे गए, एक रूम है जिसमें हीटर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे हम जाके अपने कपड़े जो है वो फैला सकते हैं, बट वो थोड़ा नीचे है, अब हम आलसी भी हैं तो हमने क्या किया कि थोड़ा बहुत आलस हो ही जाता है तो अब नीचे कौन जाए और फिर वहाँ पे करके आए, तो इसलिए हमने रूम में ये स्टैंड ला लिया था सबने अपना पर्सनल। और कभी कभी क्या होता है कि कपड़े बहुत सारे सूखे होते हैं ना तो वो इधर उधर एक्सचेंज हो जाते हैं, तो हमको एक बार हमारे साथ हो भी गया था, तो इसकी वजह से हमने ऐसा किया कि नहीं हम पर्सनली रूम में ला के रख लेते हैं, और फिर हम लाइक ला के हमने रख लिया। अब आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये पानी, पानी का सीन थोड़ा सा है लाइक सीन ये है कि पानी हमको लाना पड़ता है यहाँ पे, और ऐसा है सीन पानी का कि लाइक थोड़ा पास में ही है, ऐसा नहीं है हर जगह पे है, यहाँ पे वदा पॉइंट्स है, लाइक पानी को वदा कहते हैं ऋषि में, सो पानी के लाइक है यहाँ पे पॉइंट्स है जहाँ पे अच्छे से फिल्टर्ड पानी मिलता है, तो हम वहाँ से जाके लाइक जाते हैं और फिर लेके आते हैं। अभी ये बड़ा वाला हम लोगों ने ला के रख दिया है सो दैट हम इकट्ठा से ला के भरते हैं और फिर एटलीस्ट मे बी अ वीक हमको चल जाएगा, हम पानी के लिए हमें फिर से जाना ना पड़े बार बार, तो हमने ये एक बॉटल ला के रख दी है। और हाँ सो पानी का ऐसा सीन है अब, या तो फिर हम यहाँ का जो नॉर्मल टैप वाटर होता है ना उसको भी यूज़ कर सकते हैं लाइक उसको भी पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए हमें बस एक फ़िल्टर लाना पड़ेगा लाइक को भी लाइक बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत ना आए पानी से या कुछ ऐसा हो ना जाए, तो इट्स बेटर कि पहले से ही हम फ़िल्टर ला के रख लेते हैं और फिर फ़िल्टर यूज़ करते हैं। सो या पानी का भी ऐसा कुछ सीन नहीं है लाइक अच्छा ही है, जैसे इंडिया में पानी लेते हैं ना सब लाइक फ़िल्टर्ड पानी लेते हैं जब स्टूडेंट्स कहीं बाहर रहते हैं, बस वैसे ही है, हम भी फिर यहाँ पे फिल्टर्ड पानी ले लेते हैं या फिर जाके लेके आते हैं खुद ही, तो वही वैसा सीन है। और हमें ये सामने स्कार्फ दिया गया है लाइक दो स्टूडेंट के बीच में एक स्कार्फ मिलता है, सो ये है हमारा जिसमें हमने अपने सारे कपड़े वपड़े सब रख रखे हैं। कपड़े मत देखिएगा बहुत मेस हो चुका है, ये सेक्शन दो सेक्शन मेरे हैं और ये सेक्शन जो है ये इसमें पूजा रखती है, सो या तो बस ऐसे ही है, स्कार्फ बने हुए हैं मिले हुए हैं हमें सॉरी। और ये सब हमारा रूम हो गया, तो हम मैंने अपने रूम का तो टूर आपको बता दिया,
अब बस देखते हैं कोई और मान जाए कि हाँ ठीक है हमारा भी रूम दिखा दो, तो चलते हैं फिर उनका रूम देखते हैं। बॉयज़ का रूम दिखा सकते हैं कुछ लोगों से बात करके, मे बी वो बोल से कि ठीक है आ जाओ बना लो, पता नहीं सबका अपना अपना प्राइवेसी का सीन होता है। सो या चलते हैं, हम आपको नेक्स्ट रूम दिखाते हैं, मतलब तो लाइक किसी बॉयज़ वॉइस को पूछते हैं, कोई दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा तो फिर उनका रूम दिखाते हैं। और उसके अलावा फिर किचन दिखाएंगे आपको, फिर वॉशरूम दिखाएंगे, और फिर उसके बाद बस और क्या होता है हॉस्टल में, यही होता है। आपको मैंने दिखा दिया नीचे वो स्पोर्ट्स रूम और स्टडी रूम दिखा दिया। उसके अलावा वहाँ पे साइड पे एक था स्पोर्ट्स जाल करके, जहाँ पे हम जिम का सब कुछ रखा हुआ है, तो हम वहाँ पे जिम भी कर सकते हैं। लाइक आप जाओ वहाँ से और उनसे चाबी लो, वहाँ पे अपना रजिस्टर में नाम लिखो कि हम गए इतने टाइम पे, और फिर जाके तुम अपना जिम विम करके आ सकते हो। तो एक रूम है जहाँ पे जिम के इक्विपमेंट्स भी हैं वहाँ पे, मतलब मोस्टली इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, डंबल्स वम्बल्स रखे हुए हैं, सो या इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। तो जिम का भी सीन अच्छा है, और इंडोर गेम्स भी खेल सकते हैं, क्योंकि वो था उधर स्पोर्ट्स डाल करके, वहाँ पे इंडोर गेम्स भी खेल सकते जहाँ पे स्टडी रूम था, और वहाँ पे पिंग पोंग के लिए वहाँ पे कोर्ट भी रखा हुआ है। तो सो गाइज अभी मैं जा रही हूँ, यहाँ बॉयज़ के फ्लोर पे आई हुई हूँ, एंड यहाँ पे इस रूम में मैं नॉक करने वाली हूँ। दिस इज़ फोर शेयरिंग रूम, देखते कौन कौन है अंदर। ओ हाय गौरव, तू यहाँ क्या कर रहा है? चीटिंग को छोड़ी। अच्छा सही है। हेलो, दैट इज़ कार्तिक, सार्ज, सार्ज का बेड है, एंड त्रिशांग है, एंड देन देयर इज मायंक। ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं रात को, एंड दैट इज सो शॉकिंग फॉर मी लॉल। हाय गौरव। हाय। ओके सो ये फोर शेयरिंग रूम है, एंड यहाँ पे पर पर्सन एक स्काफ है, राइट? एक स्काफ पर पर्सन है, सो यहाँ पे दो हो गई है, और सबको यहाँ पे ये सभी मिला हुआ है। हाँ कुछ तो भी मिला हुआ है, शेल्फ मिले हुए हैं, और एक ही तरह है, और यहाँ पे इन लोगों को टेबल चेयर्स भी मिली हुई हैं, मतलब हाँ दो टेबल एंड सबके लिए पर्सनल एक एक चेयर्स। सो ये है फोर शेयरिंग, एंड अभी मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ थ्री शेयरिंग रूम। बाय। दिस इज थ्री शेयरिंग रूम, और लेट्स सी यहाँ पे कौन है। हाय, एंड सो या ये है थ्री शेयरिंग रूम, और इनको भी एक स्काफ मिला हुआ है, एंड देन टेबल चेयर्स वो ऑलरेडी मिली हुई हैं, बेड मिला हुआ है, उसके साथ साथ पिलो, पिलो कवर्स एंड एवरीथिंग। सो या ये है थ्री शेयरिंग रूम। सो गाइज अभी हम देखते हैं हमारे किचन्स यहाँ पे। सो इट इज़ लाइक कि एवरी फ्लोर, लाइक जिसमें ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं उधर और उधर, तो एवरी फ्लोर हैज़ वन किचन। सो ये है हमारा किचन, और यहाँ पे ये स्टोव्स हैं, एज यू कैन सी अभी ये जो स्टोव्स हैं गर्म होता है, ये सारा पीट्स जो है इसमें लगी हुई गर्म हो जाती है, और ये हमको हॉस्टल की तरफ से ही मिलती है, और ऐसे चार इधर, ऐसे चार इधर, लाइक ऐसे ऐसे स्टोव्स मिलते हैं। सो नॉर्मली ये जो सारे स्टोव्स हमको मिले हुए हैं, इनमें लाइक वैसे ही खाना बनता है, बस ये होता है कि थोड़ा रोटियां बनानी मुश्किल हो जाती है, जिन स्टोव्स पे आप डायरेक्टली रख के और फिर वैसे कैसे नहीं बना सकते। सो यहाँ रोटी बनाने के लिए फिर लाइक आपको तवे पे ही करना पड़ेगा। सो उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बन जाती हैं, लाइक नॉर्मली काफ़ी गर्म हो जाता है, और फिर हाँ उतना ही टाइम लगता है जितना गैस में लगता है, लाइक थोड़ा बहुत ज़्यादा लगता होगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम होता है, लाइक प्लेट्स अगर गर्म हो गई है तो फटाफट हो जाता है, एंड वो इलेक्ट्रिकल नहीं है, उसमें लाइक प्लेट्स लगी हुई हैं वो नीचे से गर्म होता है, और ऊपर से प्लेट्स जो हैं वो गर्म होती है। सो बाकी इलेक्ट्रिकल है, बट लाइक डायरेक्ट फ्लेम नहीं आता है, सो वही बात है कि लाइक बहुत ज़्यादा कुछ गैस की जैसे डरावना नहीं होता है, लाइक गैस में कैसा होता है कि फ्लेम्स आती है ऊपर, तो इसमें ऐसा क्या है कि बच्चों के लिए है, तो फ्लेम्स जो है, फ्लेम्स वाले जो स्टोव्स हैं वो अलाउड नहीं है, तो ये यूज़ होता है सो दैट स्टूडेंट्स की जो सेफ्टी है वो मेंटेन रहे। और फिर उसके अलावा यहाँ पे जगह जगह पे सेंसर्स लगे हुए हैं, तो आपको पता ही है लाइक सेंसर्स जो होते हैं उसमें थोड़ा सा भी स्मोक गया तो इट इज़ लाइक कि बूम, फिर तुरंत ही आते हैं फिर फायर एक्सटिंग्विशर वाले, क्योंकि सब चालू हो जाते हैं सेंसर्स में, लाइक साउंड आने लग जाता है कि अभी हो गया करके, आग लग गई है नॉर्मल, थोड़ा सा भी स्मोक हुआ तो इट इज़ लाइक आग लग गई है, और तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर वाले आ जाते हैं भगाने के लिए, और फिर वो एक्सकेवेशन एंड ऑल दैट वो सारा प्रोसेस होता है, और सबको यहाँ पे भागना पड़ता है सिर्फ स्मोक की वजह से लिटरली। सो या तो ये है हमारा किचन, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, लाइक हम इजीली खाना यहाँ पे आके बना सकते हैं, और इसमें खुद से लाइक कुछ नहीं लाने का ज़रूरत है, उन्होंने ऑलरेडी हमको स्टोव दिया हुआ है, उसके अलावा फिर हम यहाँ सामने हम कभी जो बर्तन अपने सारे क्लीन कर सकते हैं, और हाँ और
किचन में लाइक यूजुअली ऐसे करते हैं कि लाइक सो दैट ये जो हमारे सेंसर से ये सब बजे ना हो कोई भी स्मोक की वजह से, तो हम ऐसा करते हैं कि लाइक खिड़की वाल कर खोल लेते हैं खिड़कियाँ और फिर करते हैं खाना बनाते हैं। तो हमको क्या होता है कि लाइक खाना भी बन जाता है जो भी बनाना होता है, और उसके अलावा जो है कि लाइक स्मोक जो है वो नहीं आता है और बचता नहीं है, और फिर एक्सटिंगुइशर वाले नहीं आते हैं, वरना उसकी वजह से क्या होता है ना, वो इतने सारे लोग परेशान होते हैं बिना किसी मतलब के। सो या वही बात है, फिर ऐसा है। तो किचन का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, लाइक बढ़िया है सब कुछ, कुकिंग का कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको खुद बनाना है तो आप खुद बना सकते हो, उसके अलावा मेस फैसिलिटी है तो बहुत सारे बच्चे उसके लिए भी प्रेफर करते हैं, वो भी अच्छा है, बना बनाया खाना मिल जाता है, लेकिन मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो उससे अच्छा क्या ही हो सकता है, तो वो भी है। अब हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे हमारे वॉशरूम्स दिखाएंगे। सो गाइज, हर ब्लॉक में अपना अपना लाइक दो टॉयलेट्स हैं और दो जो है वो शावर रूम्स हैं, और यहाँ पे ऐसे ब्लॉक्स में बेसिन्स बने हुए हैं यहाँ पे ब्रश वश करने के लिए ऑल दैट। और उसके अलावा हमारी ये वॉशिंग मशीन है एक, तो यहाँ पे है जैसे हम कपड़े अपना हर एक ब्लॉक के पास है ये, तो ये कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे बालकनी है जो ठंड में हमको बंद करनी पड़ती है, वरना बहुत ही ज़्यादा ठंड आती है, तभी पूरा यहाँ पे स्नो और स्नो से भर जाता है। तो या और उसके अलावा ये शावर रूम्स, तो हम वहाँ सामने हमको शावर के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, एंड दिस इज आवर शावर रूम। सो ऐसे दो बने हुए, एक ये है और एक इसके साइड पे है ये वाला, जिसमें अभी कोई नहा रहा है। सो या तो शावर रूम्स हैं हर ब्लॉक में दो दो, ये बढ़िया है। एंड फिर चलिए हम आपको टॉयलेट्स दिखाते हैं, लाइक दो दो टॉयलेट रूम्स भी हैं हर ब्लॉक के पास, लाइक एक फ्लोर पे चार ब्लॉक्स हैं, तो हम मतलब लाइक दो ब्लॉक के बीच में हमको दो शावर रूम मिल रहे हैं और दो टॉयलेट मिल रहा है, लाइक एक साइड पे लेफ्ट और राइट अगर बोलो तो ऐसे। उसके अलावा यहाँ पे हमारे ब्लॉक्स में ये टॉयलेट्स हैं, एक एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब आपको टॉयलेट भी दिखाऊँ क्या मैं, लॉल। सो ये है टॉयलेट, ना ही देखो तो ये अच्छा है, मेरे को तो दिखाने में भी अजीब लग रहा है, लाइक ठीक है बट मैं आपको बता देती हूँ ऐसा नहीं है, सब अच्छा है। यहाँ पे रोज़ आती हैं क्लीन करने के लिए और क्लीन करके जाती हैं, बस टॉयलेट्स वगैरह सब बढ़िया है। और उसके अलावा बस यही सीन है कि लाइक सैटरडे संडे को दे लाइक वो ऑफ पे रहते हैं, तो सैटरडे संडे को थोड़ा मैस हो जाता है, मतलब लाइक अगर तुम क्लीन करके रखोगे तो फिर कहीं मैस होगा, बट या सैटरडे संडे उनका ऑफ रहता है। उसके अलावा हर रोज़ आते हैं वो क्लीन करने के लिए, क्लीनर आती है तो फिर वो क्लीन करती है सब कुछ। सो तो मैं अभी हॉस्टल घूम घूम के थक गई हूँ, तो आज एक्चुअली संडे है, तो संडे को आपने यहाँ पे किसी को देखा नहीं होगा, बहुत सारे कम लोग आपको दिखे होंगे, मोस्टली लोग संडे है तो सब बाहर गए हुए हैं, बिकॉज संडे ही मिलता है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी वगैरह जाना होता है तो किसी को इतना टाइम मिलता नहीं है, वरना अभी तक क्या होता है कि सब खाना बनाने में फटाफट लग जाते हैं, लेकिन हम कितनी जल्दी खाना बना लें, कितनी जल्दी खा के फ्री हो जाए, तो खाना बनाना इज़ अ बिग टास्क एक्चुअली। अभी मुझे खाना बनाना है एंड आज संडे है, बट मैं कहीं भी नहीं गई हूँ, मैं हॉस्टल में ही हूँ, और यूजुअली मुझे ठंड से इतना ज़्यादा परेशानी है ना कि आई गेट इरिटेटेड एट हेल। सो अब ठंड है तो इसलिए मन भी नहीं करता कि कहीं बाहर जाए, और बाहर जाके क्या ही करना है हॉस्टल में, लाइक पूरा एक वीक में लाइक संडे ही मिलता है जिस दिन कम्प्लीटली फ्री होता है, तो वही तो अभी हॉस्टल में ही बैठे हैं रूम में, उससे अच्छा कुछ नहीं लगता है। अब थी ज़्यादा थक गई हूँ इतना सारा चल के, अब मैं इस पर गाने लगाने वाली हूँ और थोड़ा सा लाइक गाने वाने सुनूंगी, थोड़ा दिमाग जो है वो कूल डाउन हो, उसके बाद फिर जो असाइनमेंट्स हैं वो सारे करना है, करके फिर वो मैम को सबमिट करने हैं, और फिर कल का टाइम टेबल वगैरह भी देखना है कि कल अब क्या है क्लासेज एंड ऑल दैट। सो या सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, एंड आई होप आपको सारा कुछ दिख गया होगा और हॉस्टल टूर में सब कुछ ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। सो या अब हम जाते हैं, सो हाय लीनियास, फिर बाय तो बोल दो, नहीं बोलता, चलो ठीक है फिर, देन बाय, सी यू गाइज़।